नर्वस टिश्यू, इसकी बात करेंगे नर्वस टिश्यू। देखिए जो नर्वस टिश्यूज होते हैं दे आर बेसिकली मेड ऑफ ए सेल विच इज कॉल्ड एज न्यूरॉन, जिसे क्या कहते हैं न्यूरॉन, और इसे हम नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल्स। अब जो ये न्यूरॉन होते हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द मैसेज, फॉर कैरिंग द मैसेजेस, सो दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, मतलब कोई इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को आपने टच किया तो आप देखोगे तभी आपको मालूम चलेगा कि आपको किसी ने टच किया है, नहीं फील हो जाएगा आपको। फील कैसे हुआ? क्योंकि आपको मैसेज जो है हमारे पूरे बॉडी में जो ये नर्व सेल्स हैं ये स्कैटर्ड है, तो जैसे किसी ने टच किया या आपको कहीं टच हुआ तो वो स्टिमुलस जो है, वो मैसेज जो है वो ब्रेन के पास जाएगा, और ब्रेन के पास जाने के बाद वो इंटरप्रेट करेगा कि आपको टच हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैसेज जो है वो दूसरे ऑर्गन को भेजेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप स्टेप लोगे, ठीक है। तो ये सारा काम जो होता है वो न्यूरॉन करते हैं। न्यूरॉन की खास बात होती है और नर्व सेल की खास बात होती है कि जब हम एम्ब्रायनिक स्टेज में होते हैं, जब बच्चा मदर बॉडी के अंदर होता है तभी न्यूरॉन फॉर्म होते हैं, और जब एक बच्चा मदर्स बॉडी से डिपार्ट हो गया, जन्म हो गया उसका, उसके बाद नर्व सेल्स नहीं बनते हमारे बॉडी के अंदर, जितने बनने थे वो बन गए, ठीक है, उसके बाद वो मरेंगे ही, कम ही होंगे, ज्यादा नहीं हो सकते हैं। सो दे डू नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ, ठीक है, वट एवर द नंबर दैट दे हैव बिफोर द बर्थ दैट विल बी प्रेजेंट देयर ओनली, देयर साइज विल बी इंक्रीजिंग बट देयर नंबर विल बी नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एक स्पेशल सेल होता है, दे आर द लॉन्गेस्ट सेल इन योर बॉडी, जैसे स्मॉलेस्ट सेल आरबीसी होता है वैसे ही न्यूरॉन जो होते हैं या नर्व सेल्स होते हैं दे आर द लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी ये बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो नर्व सेल्स होते हैं उनको हम ब्रॉडली दो भागों, दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन द मैसेज, कैरिंग ऑफ द मैसेज। तो जितने भी न्यूरॉन होते हैं दे आर टू टाइप बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कैरिंग, इंफॉर्मेशन कैरियर के बेसिस पे उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, या तो वो एफरेंट या सेंसरी नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व होते हैं, या इफरेंट और मोटर नर्व होते हैं। जब मैसेज कोई ऑर्गन से ब्रेन के पास जाता है सो दैट इज कैरिड बाय एफरेंट और सेंसरी नर्व्स, जब ब्रेन से किसी और ऑर्गन के पास जाता है तो उसे कहते हैं इफरेंट और मोटर नर्व्स। जैसे कि आप एक बात समझो, मान लीजिए यहां मैं से हाथ रखे हूं, एक मच्छर आके बैठ गया, मुझे मालूम चल गया मच्छर आया, तो मच्छर बैठा तो यहां से नर्व मैसेज को कहां भेजा, ब्रेन को, भेजने वाला नर्व कौन हुआ, एफरेंट सेंसरी नर्व। उसके बाद ब्रेन ने इंटरप्रिटेशन किया, ठीक है, किसके साथ क्या करना है, अब इंटरप्रिटेशन में आया इसको यही छाप देना है मान लो, तो हम क्या करेंगे, इस हाथ को एकदम हिलाएंगे नहीं, हिलेगा तो भाग जाएगा, दूसरे मैसेज आएगा इंफॉर्मेशन इसके हाथ में कि इसको छाप दो, ये आएगा यहां इसको छाप दिया, तो ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन इस मसल्स में आए, ठीक है, वो कौन लेके आया, डिफरेंट मोटर नर्व्स, एंड अकॉर्डिंगली यू डिड योर वर्क। तो जो मैसेज ले जाता है, ठीक है, रिसेप्टर सेल होता है, रिसेप्टर सेल से रिसेप्टर कहने मतलब रिसीव करने वाला, रिसेप्टर सेल कौन सा हो गया, रिसीव करेगा, रिसेप्टर सेल से ब्रेन के पास जो मैसेज ले गया सो दैट विल बी सेंसरी। अब ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन के पास
इफेक्टर ऑर्गन के पास जो मैसेज लाया दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट मोटर नर्व. ये ब्रेन से इफेक्टर मतलब मसल से ठीक है इफेक्ट यही तो लाया ठीक है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए मोटर न्यूरॉन. ये तो एक बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज कैरिंग. एक और बेसिस होता है ठीक है बेस्ड ऑन द माइलिन सीथ. बेस्ड ऑन द माइलिन सीथ जितने भी नर्व होते हैं उनको दो में डिवाइड करते हैं या तो वो माइलिनेटेड नर्व होंगे या वो नॉन माइलिनेटेड नर्व होंगे. या तो माइलिनेटेड होंगे या वो नॉन माइलिनेटेड होंगे. माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड कहने का मतलब क्या होता है उसे ऐसे समझिए. माइलिनेटेड जब हम कहते हैं तो जो न्यूरॉन होता है उसका जो एक्सियन होता है उसके ऊपर ऐसे एक माइलिन की सीथ प्रेजेंट होगी जिस कारण से जो न्यूरॉन होता है ठीक है वो मोटा लगेगा या पतला लगेगा मोटा. तो ये जो माइलिन होती है ये व्हाइट कलर की होती है तो ये सरफेस कैसा अपीयर होगा व्हाइट कलर का हाँ या नहीं. सो ऐसा न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलिन सीथ डिपॉजिट है सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए माइलिनेटेड नर्व और नॉट. और जिसके ऊपर माइलिन सीथ डिपॉजिट नहीं है नॉन माइलिनेटेड. माइलिनेटेड थिक नजर आएगा या नॉन माइलिनेटेड थिक नजर आएगा. माइलिनेटेड थिक नजर आएगा. जो थिक होगा उसमें मैसेज ट्रांसमिशन फास्टर होगा. तो माइलिनेटेड में मैसेज ट्रांसमिशन फास्टर होगा या नॉन माइलिनेटेड में. माइलिनेटेड में ठीक है. तुम्हारे पूरे बॉडी में दोनों तरह के न्यूरॉन होते हैं ठीक है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड. इवन जो एक न्यूरॉन होता है उसमें भी हम माइलिनेटेड पार्ट और नॉन माइलिनेटेड पार्ट को हम देख सकते हैं. जो माइलिनेटेड पार्ट होगा वो व्हाइट होगा और जो नॉन माइलिनेटेड पार्ट होगा वो ग्रे कलर का होगा. जैसे ब्रेन है तो ब्रेन को यदि आप ऐसे कट करो तो उसमें ग्रे रीजन और व्हाइट रीजन डिस्टिंग्विश दिखाई देगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन जो न्यूरॉन होता है उसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा ठीक है. तो यदि मैं एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये किस तरह के होता है देख लो. ये जो आपको दिखाई दे रहा है दीज आर डेंड्राइट लाइक स्ट्रक्चर्स. दीज आर डेंड्राइट लाइक स्ट्रक्चर एंड दे आर स्कैटर्ड ऑन आवर बॉडी सर्फेसेस. ये हमारे पूरे सर्फेस पे स्कैटर्ड होता है. तो कोई भी ट्यूमरस जो होता है वो यही डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं. इन्हें क्या कहते हैं डेंड्राइट्स ठीक है. और इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है. यहाँ क्या होता है न्यूक्लियस. इसके चारों तरफ नीजल ग्रैन्यूल्स होते हैं. ये नीजल ग्रैन्यूल होते हैं. इनका बहुत ज्यादा फंक्शन तो हमें मालूम नहीं है ठीक है लेकिन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग वेरियस फंक्शन इनटू द न्यूरॉन सेल्स. और ये साइटोप्लाज्म है जिसे न्यूरोप्लाज्म को या साइटोप्लाज्म को बात एक ही है. इस पूरे बॉडी को हम कहते हैं यहां तक जो स्ट्रक्चर है ना इसे हम साइटोन और सेल बॉडी के नाम से भी जानते हैं. दूसरा पार्ट जो है ये थ्रेड लाइक जो दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज एक्सियन. ये क्या है एक्सियन. और यहां पर नर्व एंडिंग हो गया. यहां पे क्या हो गया नर्व एंडिंग. इससे यदि ये माइलिनेटेड होगा तो इस तरीके से माइलिन सीथ डिपॉजिट होगा. ये इस तरीके से माइलिन सीथ डिपॉजिट होता है ठीक है. इसलिए बीच में एक न्यूक्लियस होता है स्पॉन न्यूक्लियस निकलते हैं स्पॉन्सर न्यूक्लियस. ऐसे ये माइलिनेटेड डिपॉजिट होगा. ये आपका माइलिन सीथ हो गया है या नहीं. अब ये देखो एक माइलिन सीथ ये है एक माइलिन सीथ ये है इन दोनों के बीच में गैप है या नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट दिस इज. ये तो एक्सियन ये है ये जो स्ट्रेट पता सा रहा है ना ये एक्सियन है. इन दोनों के बीच में जो नॉड है गैप है इसे हम कहते हैं नॉड ऑफ रेनवायर ठीक है. और ये आपका नर्व एंडिंग हो गया नर्व एंडिंग. एंडिंग
तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूरॉन होते हैं उनका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब ये वाला पार्ट जो है यही तो माइग्रेटेड है, तो ये पार्ट ग्रे अपीयर करेगा, ये वाला पार्ट व्हाइट नजर आएगा, ठीक है। और यही इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। अब देखो माइग्रेटेड में मैसेज ट्रांसमिशन फास्टर क्यों होता है, क्योंकि इससे सरफेस एरिया माइलिन सीथ के डिपॉजिट होने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। एक बात समझो, मान लो ये सरफेस एरिया इतना हुआ, यदि मान लो इसका ये वाटर बॉटल है वो मोटा सा है, तो सरफेस एरिया बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया, तो मैसेज ज्यादा ट्रांसमिट होगा। दूसरी बात, ये जो नॉट ऑफ रनमायर है यहाँ पे जो मैसेज ट्रांसमिट होता है, आयंस होते हैं यहाँ पे जंप करते हैं, तो इसमें जो मैसेज जो होता है वो जंप करके मूव करता है, जो आयंस का ट्रांसमिशन होता है वो जंपिंग फॉर्म होता है, तो कोई जंप करके जब चल रहा है तब तेजी से मूव करेगा, धीरे धीरे चल रहा है तब मूव करेगा तेजी से, तो इसी कारण जंप जो करता है, इस कारण से यहाँ पे जो मैसेज ट्रांसमिशन होता है वो फास्टर होता है, समझ में। सो बिकॉज ऑफ दिस द मैसेज ट्रांसमिशन इन टू द माइग्रेटेड सीथ इज मच फास्टर एज कम्पेयर टू नॉन माइग्रेटेड सीथ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये उसके टाइप हो गए, मतलब ये उसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक हो गए। इसमें एक बात और जान लो, इसका फंक्शन, जैसा मैंने कहा, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी डिफरेंट पार्ट टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑर नॉट। They will be responsible for receiving the various type of stimulus from the outside. जैसे कि मान लीजिए हमारे पांच सेंस ऑर्गन है, कितने सेंस ऑर्गन है, कौन कौन से, स्किन, आईज, नोज, ईयर, टंग, हर एक सेंस ऑर्गन में एक स्पेशल तरह का न्यूरॉन होता है जो उस स्पेशल तरह के स्टिमुलस को कैरी करता है। जैसे हमारे आंख में फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स है, कौन से न्यूरॉन है, फोटो रिसेप्टर, फोटो मतलब लाइट, तो वो लाइट को ही रिसीव करेंगे। मान लो कान बंद कर दिया, आंख खोले रखेंगे, तो क्या साउंड को रिसीव कर लेगा, नहीं, उसका काम केवल लाइट को रिसीव करना है। मान लो कान खोल रखा है, तो कान के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें कहते हैं फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर मतलब सुनने वाला, तो जब साउंड वेव आएगा तो उसको वो फोटो रिसेप्टर्स रिसीव करेगा, ना कि फोटो रिसेप्टर्स। तो हर सेंस ऑर्गन पे अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। सो ऑल दीज सेंस ऑर्गन आर मेड ऑफ न्यूरॉन एंड ऑल द इंफॉर्मेशन कैरिंग प्रोसीजर्स आर डन बाय द नर्व टिश्यूज आर नॉट। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू एंड टिश्यू चैप्टर, ठीक है, बंद करो।